टेंथ क्लास आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर है इसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस गैसेस से निकला है लफ्ज, और एक्सचेंज का मतलब होता है तब्दील होना या एक का दूसरे के साथ चेंज होना। तो जो गैसेज एक चेंज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज होती है। ये दोनों गैसेस जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। फर्दर आप इसकी आगे डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो लेक्चर 1 है इसमें आप पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन, ब्रीथिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहले आप देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर का मतलब है जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी जो ऑक्सीजन और कार्बन का एक्सचेंज हो रहा होता है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, आप जो खाना खाते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 3 पे आप देखें, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके नतीजे में आप देखते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये इन्वायरमेंट में होती है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी बेसिस पे क्या होता है, इंसान जानवर या कोई भी जानदार चीज़ सांस लेने का अमल करती है। नेक्स्ट आप देखें इसका अगर 4th पॉइंट आप देखें, आप देखेंगे कि जिस तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट आप देखें गैसेस एक्सचेंज, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, जैसे जानवर हैं, इंसान हैं, पौधे हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके नतीजे में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो दिस इज द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ एयर इनटू द बॉडी एंड आउट ऑफ द बॉडी, के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये एक्सचेंज होती हैं। जो ऑक्सीजन है ये बॉडी के अंदर जाएगी, यानी कि आपके लंग्स के पास जाएगी, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउट होगी। इसी तरह से अगर आप देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेक्चर नंबर 1 के पेज नंबर 1 पे, ये क्वेश्चन है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। तो ये आपको पहले आप देख चुके हैं ब्रीथिंग क्या है, एयर का इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में आपको पता है ये भी गैसियस एक्सचेंज का एक प्रोसेस है। आपने डिफरेंस जब लिखना है तो आप लिखेंगे ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग में क्या होता है, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, ये बात आपने याद रखनी है, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, व्हाइल गैसियस एक्सचेंज हेल्प इन ब्रीथिंग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ब्रीथिंग केमिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, और रेस्पिरेशन हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज हेल्प इन ब्रीथिंग, ये इसका अपोजिट है। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।